பண்ணு சில सोना दिया सोना पूरा सुखल है।
एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता जी जी। सुन लो री, जा जा से आई हो और जी जाओन तुम भी। एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता, एक साथ रह रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, एक जगह पर खाना बन रहा है, एक जगह पर भोजन बन रहा है और सबसे कहते फिर रहे हो। हम पांच भाई का परिवार एक साथ रहता है, छह भाई का परिवार एक साथ रहता है, चार भाई का परिवार एक साथ रहता है, तीन भाई का परिवार एक साथ रहता है, दो भाई का परिवार एक साथ रहता है, ये तुम दुनिया भर में कहते फिर। एक साथ रहने से परिवार नहीं होता, परिवार की प्रधानता होती है कि परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है। जो आपको अपने दिल की बात बता दे वो परिवार होता है। एक जगह एक रसोई घर से खाना खाने से परिवार नहीं होता, अपने दिल की बात बता देने से, अपने गम को बता देने से, अपने एक श्रेष्ठ भाव को तुम्हारे सामने प्रकट कर देने पर, उसके दिल की बात को तुम समझ जाओ, उसके हृदय की बात को तुम समझ जाओ, उसकी चित्त बात को तुम समझ जाओ, तो समझो कि परिवार में रह रहे हो। और मालूम पड़े एक जगह रोटी बन रही है, सब अपना अपना कमरा में खाया पिया, दुकान धंधे पानी पे गए, रात को बैठ गए, खाया पिया, चल दिए, इसको परिवार नहीं कहते। परिवार में इसका चेहरा क्यों उतरा है? माँ इसको दुखी क्यों है? पिता तेरे मन में क्या बात चल रही है? कि छोटे भाई के बच्चे को क्या हुआ, बड़े भाई के बच्चे को क्या? अच्छा बड़ा पूल है ना नदी, बहुत चौड़ा नदी है, बहुत जबरदस्त है। पूल के बारे में पूल नया पूल बना है ना हुआ, इसको क्या हुआ? ये परिवार है जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, इस पूल पर पोछा एक दूसरे के प्रति दर्द जागृत हो, उसको पोछा कम करने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता का भाव जागृत हो, उसको परिवार कहते हैं। खाना एक जगह बन रहा है, हम पांच भाई का परिवार, छह भाई का परिवार एक जगह रह रहे हैं, पर इनसे पूछो तो एक गंगा जा रही, एक यमुना जा रही, बस खाना एक जगह बन रहा है, बाकी की खा भी एक जैसा नहीं रही है। संग
बेटा मैंने पता नहीं चला बेटा कभी हुआ है करके हम सब सामान देते जाएंगे पकड़ के साइड पर। अरे बोल तो नहीं कहाँ जा रहे हैं। चलो चलो हाँ